हम सभी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और हम लोग डिजीलैंड मेला में अब तुरंत हम लोग उपस्थित हाजिर होंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और हम लोग बस उतर करके डायरेक्ट हम लोग जाने वाले हैं डिजीलैंड। हम सभी अब गांधी मैदान में हाजिर हो चुके हैं और आप सभी के सामने है डिजीलैंड मेला लगा हुआ। अभी सुबह का 11 बज चुका है और हम लोग अभी डिजीलैंड मेला घूमने आए हुए हैं। जो आप सभी के सामने दिख रहा है वो एक से गेट मतलब निकलने वाला है, अंदर अंदर जाने वाला लगता है कि उधर से गेट है। तो उधर से हम लोग को अभी तो कोई भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है, लगता है कि अभी डिजीलैंड मेला बंद है। हमको ये विश्वास हो रहा है कि बंद है अभी, मतलब कोई अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं। और अंदर अब जा रहे हैं तो देखते हैं कि बंद है या खुला है। फाइनली फ्रेंड अभी डिजीलैंड मेला बंद है और शाम के 4 बजे से चालू होता है। तो हम यहाँ के गार्ड साहब से पूछे कि डिजीलैंड मेला कब से चालू होता है, तो बोले कि शाम के 4 बजे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए सुबह में नहीं चालू होता है, शाम के 4 बजे से स्टार्ट होता है। तो अब हम चल दिए अब सभी आता द्वार दोस्तों के साथ। हम लोग का अभी डिजीलैंड मेला में एंट्री तो नहीं मिला, अब हम लोग गांधी मैदान का पूरा चक्कर लगाएंगे चारों तरफ और फिर घर चले जाएंगे। फिर शाम में आएंगे 5 बजे तो हम लोग को दिखाएंगे डिजीलैंड मेला का क्या क्या है उसमें। आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में लगा हुआ है सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं जो सुबह में टहलने आते हैं तो वो लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आगे हम तक दिखा रहे हैं, देख सकते हैं गांधी मैदान का ये नज़ारा है एक्सरसाइज करने वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इधर आप लोग देखिए विश्वमान भवन है और उधर गांधी जी दिख रहे होंगे हल्का सा। हम लोग अब जा रहे हैं आप सभ्यता द्वार, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। ये है बाबू सभागार, तो आप लोग नहीं आए हैं तो आप लोग जरूर आइए बाबू सभागार घूम लीजिए एक बार। सभ्यता द्वार आप लोग देख रहे थे बाबू सभागार वहाँ दिख रहा है, क्या नजारा है। गाइस वीडियो पे जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। मेरे ब्रदर हैं वो भी ब्लॉग कर रहे हैं अपना चैनल और हम भी सामाजिक और बस उसे पकड़ लेंगे ना ऐसा। अच्छा था इधर तो भाई दो दो को हम अपना वीडियो बना रहे हैं दो मोबाइल से, एक यहाँ है आगे वक्त एक पीछे, एकदम किनारा तरफ है ना यहाँ, लेकिन बहुत मस्त है, ठंडा ठंडा बहुत पेड़ है यहाँ। देखो आम भी फड़ा हुआ है, सब हर के पीछे का एक सब नज़ारा है, क्या समाज देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा अच्छा यहाँ पेड़ पौधा है। अभी कोई नहीं आया शाम में भी बहुत संस्कृति का निर्माण हम लोग तक किनारा आ गए हैं, गंगा जी किनारा आ चुके हैं। किन अच्छा वहाँ पर हम देखेंगे सभ्यता द्वार राइज, उधर देखो गंगा जी है, मरीन ड्राइव का जो बन रहा है सड़क, मरीन ड्राइव का ये नज़ारा आप लोग देख अभी सुबह का टाइम है, कोई नहीं अभी घूमने आया है। हम लोग आ चुके हैं और वो है सभ्यता द्वार जो दिख रहे हैं ऊपर में है, बहुत बड़ा गेट है। शाम में बहुत भीड़ लगेगा यहाँ वीडियो बनाने के लिए, सब भी आएगा। पेड़ पौधे कितने हैं। हम लोग अभी आए हुए हैं
हैं बाबू सभागर के पीछे हैं और यहाँ का सब नज़ारा है बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ देख सकते हैं मेरे। यार यहाँ पर बहुत खजूर फरा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, आप लोग आओ घूमे यहाँ पर, ज़रूर खजूर खाओ, बहुत यहाँ खजूर फरा हुआ, हर तार खजूर का जो पेड़ है ना उसमें बहुत खजूर फरा हुआ, आप लोग देखिएगा जितना खजूर है सबको हम दिखाते हैं, बहुत फरा हुआ है खजूर इस पर, आप लोग आइए एक बार खा कर जाइए। अब आप लोग हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सभ्यता द्वार, आप लोग देख सकते हैं व्यू यहाँ का सभ्यता द्वार का। अगर आप सभ्यता द्वार जाते हैं घूमने तो आप लोग वहाँ क्या क्या घूम सकते हैं आप सभी को हम बता देते हैं। गांधी मैदान भी आप घूम सकते हैं, बाबू सभागार घूम सकते हैं। आपको सभ्यता द्वार के जस्ट उत्तर साइड में मरीन ड्राइव है जो गंगा नदी भी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप सब गंगा नदी। आप सभ्यता द्वार से 5 चीज़ देख सकते हैं, सभ्यता द्वार, बाबू सभागार, गांधी मैदान और आप गंगा जी देख सकते हैं, फिर आपको मरीन ड्राइव भी देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए एक बार घूम करके जाइए सभ्यता द्वार से। लोग सभ्यता द्वार पर हैं और उधर में गांधी मरीन ड्राइव का काम हो रहा है और यहाँ पर खजूर भी फरा हुआ है, तो आप लोग खजूर खाएगा जो बोल देना, खजूर खिला देंगे उसको, तुर करके लेते आएंगे। देखो यहाँ पर खजूर खाने वाले हैं हम, तुरे का एक देखो, कोई भी खाएगा बोलना, देख लो खजूर है। कच्चा है अभी, कच्चा है बहुत ज़्यादा और इसको लेने जा रहे हैं घर, जिसको भी खाना है खजूर वो आ जाए सभ्यता द्वार, गांधी मैदान में है वो जल्दी से आ जाओ सभ्यता द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग देख लो कैसा नज़ारा है सभ्यता द्वार का, इसमें भी फर रहा है खजूर। कैसा पानी है, नहीं पी सकता गाइस। हम लोग अब चल दिए यहाँ से, अब हो गया फोटो वीडियो जो भी हो सब बन गया है गाइस। चलो अब क्या करेगा, खुल लेगा फोटो का, फोटो लेगा ऐसे चलो बहुत यहाँ खजूर फरा हुआ है, जो थोड़ा सही है उतना भी घटिया नहीं है।
इसमें म्यूजिक फाइनली फ्रेंड आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि वहाँ अगर आप सभ्यता द्वार जाते हैं तो आप फिर आपको वहाँ से आने के दम पक्का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ इतना ठंडी ठंडी हवाएं चलेगा ना और इतना पेड़ पौधा है, साफ सफाई है, अगर ऐसा कहीं आपको पटना में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कहीं शहर में कहीं नहीं मिलेगा ऐसे ठंडा और साफ सफाई। और वहाँ गंगा किनारा है ना, वहाँ और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है फ्रेंड, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूला। और हम लोग अब जा रहे हैं घर पे, तो बस वीडियो इतना ही, बाय बाय, फिर आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय।